नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु नवानी और क्रिकेट एडिटर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपीएल का अगला मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो ये बैटिंग पिच होगी, लेकिन स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलने वाली है। यहाँ के एवरेज स्कोर की बात करें तो वो है 153 का। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे फैंटेसी 11 की टीम के बारे में। पहले डिस्कस कर लेते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 को। पंजाब किंग्स की बात करें, सबसे पहले आते हैं कप्तान शिखर धवन, फिर उसके बाद प्रभसिमरन सिंह, भनुका राजपक्सा, जितेश शर्मा, सिकंदर रजा, शाहरुख खान, सैम करन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा, राहुल चहर। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं कप्तान संजू सैमसन, उसके बाद जॉस बटलर, शिमरन एडमायर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिकल, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, के एम आसिफ, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल। अब बात कर लेते हैं फैंटेसी 11 की टीम के बारे में। विकेट कीपर्स की बात करें तो सबसे पहले आप चुन सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को, जिन्होंने अपने पिछले मैच में 32 गेंदों पे 55 रन बनाए थे और एक कप्तानी पारी खेली थी। उसके बाद आप चुनेंगे जॉस बटलर को, जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज है, और उन्होंने अपने पिछले मैच में 37 गेंदों पे 54 रन बनाए थे और उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 245 की रही थी। उसके बाद भनुका राजपक्सा भी बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले मैच में 32 गेंदों पे 8 शतक जड़ा था। अब बात आती है बैटर्स की, तो सबसे पहले आप चुनेंगे पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन को, जिन्होंने अपनी पिछली इनिंग्स में 40 रन बनाए थे और 6 चौके भी लगाए थे। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के ओपनर यशस्वी जायसवाल भी बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले मैच में 37 गेंदों पे 54 रन बनाए थे। अब बात आती है टीम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स के लिए आप सबसे पहले चुन सकते हैं इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी को, यानी सैम करन को, जिन्होंने अपने पिछले मैच में 26 रन भी बनाए थे और एक विकेट भी चटकाई थी। उसके बाद जेसन होल्डर भी बहुत अच्छी चॉइस रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले मैच में 1 विकेट ली थी और उनकी इकॉनमी लगभग 5.33 की रही थी, जो कि T20 के हिसाब से काफी कमाल की इकॉनमी है। अब बात आती है गेंदबाजों की, तो सबसे पहले आप चुनेंगे युजवेंद्र चहल को, जो कि पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज साबित हुए थे। उन्होंने पिछले मैच में 4 विकेटें चटकाई थी और उनकी इकॉनमी सिर्फ 4.25 की रही थी। उसके बाद पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले मैच में 3 ओवर्स के अंदर 19 रन खाए थे और 3 विकेटें चटकाई थी। फिर आप चुनेंगे ट्रेंट बोल्ट को, जिन्होंने अपने पिछले मैच में 2 विकेट चटकाई थी, और आखिर में आप चुनेंगे पंजाब किंग्स के लेग स्पिनर राहुल चहर को। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11 की टीम। अब बात आती है कैप्टन की और वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन के लिए आप चुन सकते हैं युजवेंद्र चहल को, और वाइस कैप्टन के लिए आप चुन सकते हैं जॉस बटलर को। तो ये थी हमारी फैंटेसी 11 टीम। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।